नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले जिस खंड का उद्घाटन किया गया, वो गाजियाबाद, गुलधार और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन को भी रवाना किया। पीएम ने साहिबाबाद से दुहाई तक और फिर वापसी की यात्रा भी RRTS ट्रेन से की। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों और ट्रेन कर्मियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने नई नमो ट्रेन को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देश की पहली नमो ट्रेन को मां कात्यायनी का आशीर्वाद मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प का दशक है। उन्होंने बताया कि इस दशक के अंत तक भारतीय ट्रेन दुनिया में पीछे नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते भारत में जरूरी है कि सभी को सुविधाओं का लाभ अच्छे से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर है कि लोग अच्छी हवा में सांस लें और इलाज के लिए उन्हें बेहतर सुविधा मिले। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के कदम अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत चांद पर मानव को भेज पाएगा, इसके लिए रोडमैप तैयार किया गया है। सभा को संबोधित करने से पहले वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के दो हिस्से राष्ट्र को समर्पित किए। औपचारिक रूप से जिन दो मेट्रो खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया गया, उनमें बैयपनहल्ली को कृष्णराजपुरा और केंगेरी को चेल्लाघट्टा से जोड़ने वाले खंड शामिल हैं। रैपिडेक्स ट्रेन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेट्रो निर्माण कार्यों में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में से दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम बनने जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जारी हैं। नमो भारत राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने राजस्थान में बोल दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिन खराब है। राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। सचिन पायलट का टिकट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर पायलट ने कहा कि चुनाव के बाद सभी मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजस्थान पहुंची और दौसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। चुनावी मौसम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के राजस्थान दौरे पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। दिया कुमारी ने कहा कि प्रियंका रणथंभौर में पिकनिक मनाने आती है, पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के दौरान नहीं दिखती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं की बगावत का सिलसिला जारी है। ताजा मामला कांग्रेस नेता भानु ठाकुर का है, जिन्होंने दतिया के भांडेर से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस में मचे घमासान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि कुछ टिकट कमलनाथ और कुछ टिकट दिग्विजय सिंह ले गए और बाकी हाथ मलते रह गए।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का दावा है कि प्रदेश कांग्रेस में किसी भी तरह का बिखराव नहीं है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए विश्वासघात के आरोपों के बारे में जब मीडिया ने सवाल किया तो कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर भी हमला किया। मध्य प्रदेश में INDI गठबंधन तितर बितर होता दिख रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हमले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने INDI गठबंधन को बेमेल बताते हुए कहा कि जनता आश्चर्य के साथ इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज ही इस गठबंधन की ये स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं तो इनके हाथों में देश और प्रदेश का भविष्य कैसा होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी महेश गागड़ा के नामांकन में शामिल होने के बाद चुनावी सभा को भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को कांग्रेस का ATM कहा और राज्य के संसाधनों की खुली लूट का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है और सरकार सांप्रदायिक तुष्टिकरण में लगी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर मनसुख मांडविया दंतेवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी चैतराम अटामी के नामांकन सभा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। भाजपा ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 40 प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी उम्मीदवारों के लिए PM नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रमुख JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य लोग प्रचार करेंगे। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज तेलंगाना के सिद्दीपेट में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तेलंगाना की BRS सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों पर जमकर प्रहार किए। तेलंगाना में विजय भेरी यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निजामाबाद में मुख्यमंत्री KCR पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीते एक दशक के दौरान मुख्यमंत्री KCR और उनके परिवार ने राज्य का शोषण किया है और उनके द्वारा किए गए दुरुपयोग का खुलासा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के तृतीय दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवा न केवल देश में बल्कि दुनिया में हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और इसमें युवाओं का बड़ा योगदान होगा। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल से ही बिहार की इस धरती ने हर क्षेत्र में प्रतिभावान हस्तियों को दिया है। आज भी गणितज्ञ आर्यभट्ट हों या फिर भगवान बुद्ध, जिन्हें न केवल भारत बल्कि दुनिया के हर कोने में याद किया जाता है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच कनाडा के राजनयिकों की वापसी पर भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत का कहना है कि राजनयिकों की संख्या को लेकर कनाडा जो भी आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक उठाए गए हैं। भारत ने कहा है कि राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11(1) के नियम अनुरूप ही भारत ने निर्णय लिए हैं। भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि नियमों के मुताबिक उठाए गए हमारे कदम को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में प्रचारित करने के किसी भी प्रयास को हम अस्वीकार करते हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात पर खुशी जताई। विदेश मंत्री ने बताया कि हमारी द्विपक्षीय साझेदारी और इसकी संभावनाओं पर बहुत उपयोगी चर्चा हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि 50 से अधिक सरकारी योजनाओं के तहत लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा रहे हैं और पीएमजेडीवाई ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और जोर देकर कहा कि निवेशकों और व्यवसायों को निवेश निर्णय लेते समय ऐसे कारकों को ध्यान में रखना होगा। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में संबोधित करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हम वित्तीय स्थिरता के लिए बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के नियमन पर फोकस कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए टल गई है। महुआ ने निशिकांत दुबे, जय अनंत देहदराई समेत मीडिया को उनके खिलाफ बयान से रोकने की मांग की थी। इन सब के बीच महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने अपना नाम वापस ले लिया है। आज वकील जय अनंत देहदराई ने महुआ के लिए पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे संपर्क कर मामला वापस लेने के लिए कहा। अदालत के सवाल पूछने के बाद गोपाल शंकर नारायण ने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में पूरी तरह महुआ मोइत्रा को एक्सपोज कर दिया है। हलफनामे में उन्होंने स्वीकार किया अडानी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। साथ ही महुआ मोइत्रा ने महंगे उपहारों की मांग की। महुआ बहुत महत्वाकांक्षी थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि संसदीय प्रक्रिया में रिश्वतखोरी के लिए कोई जगह नहीं है। ये मामला लोकसभा आचार समिति के सामने है जो अपना काम कर रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही संसदीय आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर का कहना है कि 26 अक्टूबर को आचार समिति की बैठक बुलाई गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने नान घोटाले को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी के अधिकारी दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर जिलों में छापेमारी कर रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण कार्य व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पंचायती राज का बड़ा ही महत्व है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 19 करोड़ से अधिक गृह धारक हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कांग्रेस और बीआरएस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों के बीच गुप्त समझौता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीआरएस कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करती है, तो वहीं राज्य में बीआरएस की बी टीम के रूप में कांग्रेस काम करती है। भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल ने फ्रांसीसी नौसेना के जहाज लैंगडोक के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली ने अपनी स्थापना के 6 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में संस्थान के प्रोफेसर, छात्रों के अलावा कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी शामिल हुए। ज्ञानवापी के वजूखाने में स्थित वजूखाने का सर्वे कराने को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत कल मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। वादिनी राखी सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अदालत में बहस हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। ईडी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को 2027-2028 तक 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने के लिए अपने व्यावसायिक रुख में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे घरेलू उपकरणों की तरह जल्द ही सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल को भी स्टार रेटिंग दी जाएगी। केंद्रीय बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने इस योजना की शुरुआत की है।
ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों के बीच घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे सत्र में लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 231.62 अंक की गिरावट के साथ 65,397.62 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में भी 84.35 अंक की गिरावट दर्ज की गई, ये 19,540.35 अंक पर बंद हुआ। आज के कारोबार में टॉप गेनर्स में बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग, एमसीएक्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज शामिल रहे। वहीं टॉप लूजर्स में आईजीएल, एमएमटीसी लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड शामिल रहे। कच्चे तेल के बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.90% उछलकर 93.21 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अडानी सीमेंट ने कहा है कि उसने एसीसी और अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के लिए 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण का पुनर्गठन किया है। कंपनी ने कहा है कि कम से कम 10 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने इसके लिए पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की है। टीवीएस मोटर कंपनी ने वेनेजुएला के बाजार में प्रवेश करने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि वेनेजुएला में दोपहिया और तिपहिया वाहन सहित 14 उत्पाद पेश किए जाएंगे। लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे आईटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय की इकाई डीजीएफटी के लाइसेंस नियमों में बदलाव से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने ये बात कही। निजी क्षेत्र के सीएसबी बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 10% बढ़कर 133 करोड़ रुपये रहा। केरल के बैंक ने पिछले साल समान तिमाही में 121 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। जीएसडब्ल्यू स्टील का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2,773 करोड़ रुपए रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 915 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 2.3% घटकर 577 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध लाभ 591 करोड़ रुपए रहा था। वॉयस वीडियो और टेक्स्ट संचार सेवा डिस्कॉर्ड ने अपने यूजरों के उपयोग के लिए प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और उपयोग में आसान बनाने के लिए नई सुविधाओं की एक श्रृंखला की घोषणा की है। दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के पेड सब्सक्राइबरों की संख्या अक्टूबर महीने में 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कोलियर्स के मुताबिक देश के 5 प्रमुख शहरों में जुलाई सितंबर के दौरान औद्योगिक और गोदामों के लिए जगह का पट्टा 12% घटकर 62 लाख वर्ग फुट रहा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 70 लाख वर्ग फुट औद्योगिक और गोदाम स्थान को पट्टे पर लिया गया था। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। दोनों के बीच जारी संघर्ष का आज 14वां दिन है। इस दौरान मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ घायलों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसराइल में अब तक मरने वालों की संख्या जहां 1400 से अधिक पहुंच गई है, वहीं गजा पट्टी में भी मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 4100 से ज्यादा हो गई है। इस बीच इजरायली सेना ने पूरे गाजा को घेर लिया है। इजरायली सेना बॉर्डर पर 1000 टैंकों के साथ स्टैंड बाय मोड पर है। अधिकारियों के मुताबिक अब वो कभी भी गाजा के अंदर घुस सकते हैं। हमास के साथ जारी संघर्ष के बीच इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर रात भर हमला किया। हिजबुल्ला ने भी इजरायल के सीमावर्ती गाँव मनारा पर मिसाइल दागी।
उधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा सीमा पर गोलानी ब्रिगेड के साथ बैठक की। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपने दुश्मनों पर कठोर प्रहार करेगा और हम पूरी ताकत से जीतने जा रहे हैं। इसराइल दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन और इसराइल के समर्थन को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि हमास और पुतिन का आतंक और अत्याचार अलग अलग खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं क्रेमलिन ने जो बाइडन के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आतंकी समूह हमास से तुलना करने वाली टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि गजा में जारी संघर्ष के क्षेत्रीय होने का गंभीर खतरा है और रूस इस मामले पर तुर्की से संपर्क में है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को जल्द ही 20 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसके थमने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। दोनों ही देश अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। रूस यूक्रेन के मध्य जारी संघर्ष के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जो बाइडन से फोन पर बात की। इस दौरान जेलेंस्की ने राष्ट्रपति बाइडन को अमेरिकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दक्षिणी शहर रोस्तोव ऑन डोन की यात्रा की। इस दौरान पुतिन ने कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव से मुलाकात की और यूक्रेन के साथ जारी युद्ध की ताजा स्थिति का आकलन किया। आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराने में सफलता पाई। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की ये लगातार दूसरी जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 367 रन बनाने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श ने 121 और डेविड वार्नर ने 163 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। मार्श और वार्नर के बीच पहले विकेट के लिए 259 रन की साझेदारी हुई। ये पहले विकेट के लिए विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी साझेदारी है। आईसीसी विश्व कप में कल दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में लखनऊ में नीदरलैंड्स का सामना श्रीलंका से होगा। श्रीलंका को जहां पहली जीत की तलाश है, वहीं अफगानिस्तान ने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर उलटफेर किया था। दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका की चुनौती होगी। अपने पिछले मुकाबले में दोनों टीमों को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में दोनों की कोशिश वापस जीत की लय हासिल करने की होगी। जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। चोट के चलते हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो गए हैं। वो लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में टीम के साथ जुड़ सकते हैं। विश्व कप में रविवार को भारत का सामना न्यूजीलैंड के साथ होगा। ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम आज धर्मशाला पहुंच गई है। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस ने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज लसित मलिंगा को तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त करने की घोषणा की। इस फ्रेंचाइजी के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल मलिंगा न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड की जगह लेंगे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ धन के दुरुपयोग के आरोप पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अजहर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने थाईलैंड की सुपानिदा को हराने में सफलता पाई। आबुधाबी मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की 16 वर्षीय उन्नति हुडा और समिया इमाद ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। दोनों खिलाड़ियों ने सीधे गेम में मुकाबले को अपने नाम करने में सफलता पाई। भारत के यूकी भामरी और जूलियन कैस ने स्टॉकहोम ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यूकी और जूलियन की जोड़ी ने फिनलैंड की जोड़ी को सीधे सेट में 6-1 6-3 से हराया। डर्बन में चल रहे ब्रिक्स गेम्स 2023 में भारत के देवांश परमार ने तैराकी में रजत पदक जीत लिया है। देवांश ने ये पदक तैराकी के 200 मीटर के फ्री स्टाइल इवेंट में अपने नाम किया। वहीं ब्रिक्स खेलों में ही कल खेले गए बैडमिंटन के मिश्रित टीम स्पर्धा में भारतीय मिश्रित टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को चीन की टीम से 1-4 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने विश्वास जताया है कि टीम के स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड बैलन डी और पुरस्कार जीतने में सफल रहेंगे। हालैंड ने पिछले साल सिटी के लिए 53 मैचों में 52 गोल किए थे। एक छोटा सा ब्रेक।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। थलापति विजय की फिल्म लियो ने ओपनिंग डे पर 145 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म हॉलीवुड सिने इतिहास में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत के परिवार में उनके भतीजे का आगमन हुआ है। इस प्यारे से बालक का नाम उन्होंने अश्वस्थामा रनौत रखा है। बीते 12 अक्टूबर को मुंबई में फाल्गुनी पाठक डांडिया इवेंट के नाम पर सस्ते दामों पर पास देने का लालच देकर 156 लोगों को ठगा गया। एमएचबी पुलिस थाने ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 का गाना लेके प्रभु का नाम का टीजर आउट हो गया है। सलमान और कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर इसे साझा किया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित इन्फिनिटी मॉल में फिल्म यारियां 2 की स्क्रीनिंग रखी गई। स्क्रीनिंग के दौरान भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, मीजान जाफरी सहित कई सितारे नजर आए। आज टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन की फिल्म गणपत रिलीज हो गई। इस दौरान टाइगर श्रॉफ मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में नजर आए। गुलशन कुमार की बेटी और अभिनेत्री खुशाली कुमार की आने वाली फिल्म स्टारफिश का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। ये फिल्म अखिलेश जायसवाल द्वारा निर्देशित और ऑलमाइटी मोशन पिक्चर द्वारा निर्मित है। वर्ष 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की रिलीज को 11 साल पूरे हो गए हैं। अपनी डेब्यू फिल्म के 11 साल पूरे होने पर अभिनेत्री आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया है। अभिनेता और सांसद रवि किशन गोरखपुर में नवरात्रि की सप्तमी से अयोध्या के श्रीराम नामक एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करेंगे। ये म्यूजिक वीडियो अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण पर आधारित होगा। मशहूर गायक कुमार सानू आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में हुआ था। एक दिन में 28 गीत गाने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।